दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है वो आ रहा था कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, इसे किस तरह से रिमूव करें, उस बारे में आप एक वीडियो बना करके बताइए। तो आज का वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड ही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, आप किस तरह से इसे रिमूव कर सकते हैं जब आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आए, तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए गाइस। और अगर आप यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे रहना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कॉपीराइट के बारे में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी बाय मिस्टेकली भी कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉपीराइट का क्लेम जो है वो आता है। तो यहाँ पे आप किस तरह से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको इस बात के बारे में जान लेना चाहिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मतलब बड़े चैनल का जैसे कंटेंट आईडी जिनको मिल चुका होता है, उनका अगर आप म्यूजिक या फिर कोई एक सीन यूज कर लेते हो अपने वीडियो में, तो उनके तरफ से कंटेंट आईडी का क्लेम जो आ जाता है, मतलब कॉपीराइट क्लेम एक्चुअली उनकी तरफ से आता है। वो यहाँ पे चाहते हैं कि आप उनके साथ जो रेवेन्यू है उस वीडियो से वो शेयर करो। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअली एक पेनल्टी होता है आपके चैनल के लिए। जब भी आप किसी के कंटेंट को कॉपी करते हो, किसी के भी कंटेंट को अपने वीडियो में यूज करते हो, और वो बंदा मैन्युअली उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो भेजता है। और ये कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से आपका जो भी वीडियो है, जिस वीडियो में आपने यूज किया था उसके कंटेंट को, वो वीडियो यूट्यूब से पूरी तरह से हट जाता है। साथ ही साथ आपको एक पेनल्टी जो है वो यूट्यूब दे देता है। तो फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके वीडियो पे आया है तो आपको आपके चैनल पे जो लाइव स्ट्रीम है वो बंद हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम आप नहीं कर पाओगे। अगर सेकंड जो आ गया है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक में आप वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाओगे अपने चैनल पे। और अगर थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है तो फाइनली आपका चैनल जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा बच के रहनी चाहिए गाइस। और अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी आता है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो उनसे जिन्होंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया है, और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है क्लेम करने का। सो पहला ऑप्शन में आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनसे जो भी सुलह मशवरा है वो आप कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप हटा दीजिए, बदले में अगर आपको रेवेन्यू चाहिए या फिर जो भी उनको चाहिए, जो उनका डिमांड होता है उनके अकॉर्डिंग आप काम जो है वो कर सकते हो, क्रेडिट रेवेन्यू जो भी उनको चाहिए होता है वो आप यहां पे दे सकते हो। अगर उनसे सुलह नहीं होता है आपका, तो आप जाकर के जो यूट्यूब के ऑप्शन में रहता है आपको यहां पे मिल जाता है, वहां पे जाकर के आप क्लेम जो है वो कर सकते हो। मतलब आप लड़ना चाहते हो, आप पूरा यकीन करके उन्हें बता रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि आप यूट्यूब को ये बता रहे हो कि आप जो कंटेंट यूज किए हो वो पूरा ईमानदारी से आपका कंटेंट है, और आप चाहते हो कि आप यूट्यूब में क्लेम करो और सामने वाली पार्टी के साथ में लड़ो। सो गाइस, अगर आप क्लेम करते हो यहां पे, तो आपको एक फॉर्म जो है वो मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से, उसे आपको फिल करके देना पड़ता है। वहां पे आपको पूरा का पूरा बताना पड़ता है कि ये कंटेंट जो है वो हमारा है, हमने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया है, और ये जो कॉपीराइट जो क्लेम है उनकी तरफ से किया गया, कॉपीराइट स्ट्राइक जो उनकी तरफ से लगाया गया है वो पूरा का पूरा यहां पे सरासर गलत है। तो वापस से क्या होता है, यूट्यूब जाकर के फिर उनको बताता है कि इस तरह से क्लेम उनकी तरफ से आया हुआ है। यहां पे आपको सब कुछ फिलअप करके अच्छे से देना होता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना होता है। उसके बाद में यूट्यूब जाकर के उनको बोलता है और उनको बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आप बोल रहे हैं उसका आप कोई प्रूफ दीजिए, कोई एविडेंस दीजिए। अगर सामने वाला पार्टी एविडेंस दे देता है तब तो ठीक है, फिर आपका स्ट्राइक जो है वो नहीं हट सकता है, क्योंकि YouTube आपको गिल्टी मान लेता है। बट अगर आप गिल्टी नहीं है, YouTube आपको बोलता है कि आप वापस से आप इस फॉर्म को सही से भर करके दीजिए, क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से नहीं दिया है, अगर तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अगर आपको YouTube दोबारा से बोल रहा है भर करके देने, तो कहीं ना कहीं आप जो है सही है, आप गिल्टी नहीं है। और अगर आप गिल्टी नहीं होते हैं, तो जिस पार्टी ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया है उनके ऊपर में फिर से कोई ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर और भी कुछ पनिशमेंट जो है वो उनको मिल सकता है, और आपका जो स्ट्राइक है वो हट जाएगा। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदारी से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आता है तो आप यहाँ पे क्लेम कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप जो भी वीडियो यूज़ कर रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, उन पे कभी भी कोई भी दूसरे का कंटेंट जो है वो यूज़ ना हो। अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो वो फेयर एंड यूज़ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको बाय चांस फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो आप इन दो मेथड के थ्रू फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कॉपीराइट से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। सो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को। और अगर आपको कुछ भी डाउट अभी रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। सो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। सो बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।